फ्रेंड है नवीन, स्कूल फ्रेंड से हम, ब्रदर किट्टू आप जानते ही है, और मेरे को तो आप पता ही है मेरा चैनल है। फाइनली MKE 200 जो सभी आप बता रहे हैं ये प्रेफर करेंगे। तो गाइस माइक के जो थोड़ा डिसीजन है वो चेंज हो रहा है। एक्चुअली जो भैया जिनसे हमारी बात हो रही थी रिप्रेजेंटेटिव सेल्स है के, ये बोल रहे हैं कि ये आपके लिए यूसेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ट्रेवलिंग हाँ, और बेसिकली ये जो ज़्यादा इधर मूवमेंट जिसकी ज़्यादा रहती है उसके लिए ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए हैं, अभी हम माइक सोच रहे हैं थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं आइडिया और थोड़ा सा और उस पर रिसर्च करके फिर उसको परचेज करेंगे। तो फाइनली सारा सामान तो ले लिया है, जैसा कि मैंने बताया माइक जो है माइक थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रहा था और जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी खुद ही ये सजेस्ट किया कि आप अभी इसको मत लो, आप थोड़ी सी और रिसर्च कर लो, उसके बाद ही इतना इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज अभी प्रोफेशनल व्लॉगर तो बने नहीं है, अभी जस्ट बिगिनिंग है। तो उन्होंने कहा आप बिगिनिंग छोटे माइक से भी कर सकते हो जो कि माउंटेड माइक होगा, कैमरा के ऊपर लगेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है थोड़ी बहुत रिसर्च करके उसके बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग चार आइटम हमने ले लिए हैं, एक तो ट्राईपोड हो गया हमारा, सैंड डिस्क का मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी केस हो गया है, और फोर्थ आइटम हमारा क्या था, कार्ड रीडर 3.1। तो कार्ड रीडर लिया है, ये चार आइटम अभी लिए है। अब मेरा रह गया है एक तो पावर बैंक लेना है, बैटरीज लेनी है, रिप्लेसेबल बैटरी विद अडाप्टर जो उसी में रिचार्ज होती रहे, एंड मेरा और क्या मिसिंग है, तीन आइटम और मिस थे मेरे, बैटरी हो गई है, माइक हो गया एंड पावर बैंक, ये तीन आइटम अब मेरे रह गए हैं। इसको मैं या तो देखूँगा, आज तो मेरे को टाइम लगता है कम है काफ़ी, कि और भी अदर प्रिपरेशन भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी जल्दी से ले लेंगे। एंड अगर आप लोगों में से कोई सजेस्ट कर सके कि कौन सा बेटर माइक रहेगा मेरे लिए जो भी मेरी अपकमिंग ट्रिप है या कहीं भी मैं छोटा मोटा कहीं पे भी ब्लॉगिंग के लिए जाता हूँ, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होगा मेरे लिए। तो बाकी जो मैंने लिया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूँगा कि कितना कितना प्राइस है उसका, एंड ये आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये तो मैं आपको जैसे जब प्रोडक्ट दिखाऊँगा उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने कुछ एसेसरीज परचेज़ की थी अपने सोनी ZV-E10 के लिए, और उस टाइम हमने माइक में कंफ्यूज्ड हो गए थे क्योंकि जो वहाँ पे सेल्समैन थे उन्होंने खुद ही बोला था कि बीइंग अ स्टार्टर आपको अभी एक नॉर्मल माइक लेना चाहिए जो कि शॉटगन माइक हो, क्योंकि जो मैं लेने वाला था मैं रोड का गो वायरलेस 2 लेने वाला था जिसकी वैल्यू ही 29,000 है, तो वो इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि अभी बिगिनिंग में ठीक नहीं लगा वो उनको भी और फाइनली फिर मुझे भी कहीं ना कहीं, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया। फिर हमने सोचा है कि आज जाते हैं और आज थोड़ा बहुत मैंने अभी रिसर्च करी है, तो रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि एक शॉटगन माइक है MKE 200 और जो रोड का बेसिक है वीडियो माइक्रो, तो इन दोनों में से मैं कोई एक चूज़ करूँगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं जो लूँगा MKE 200 है क्योंकि उसका स्लीक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, और जो विंड स्क्रीन है उसके अंदर ही इनबिल्ट है, मेरे को ऊपर से एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं वहाँ पे एंड फिर फाइनलाइज करते हैं कि एक बार और कंपेरिजन करके फाइनल डिसीजन पर आते हैं सेल्समैन की हेल्प से कि कौन सा फाइनल हमें लेना है, एंड उसके साथ साथ मुझे पावर बैंक एंड रिप्लेसेबल बैटरी लेनी है। बैटरी देखेंगे कि किसकी मिलती है क्योंकि बैटरी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो वहाँ जाके ही रिप्रेजेंटेटिव से पता करेंगे, वो बताएंगे बेटर है क्योंकि हमें भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। और अब फाइनली किट्टू ने भी ज्वाइन कर लिया और अब हम निकल रहे हैं। फ्रेंड है नवीन, स्कूल फ्रेंड से हम, ब्रदर किट्टू आप जानते ही है, और मेरे को तो आप पता ही है मेरा चैनल है। हम जा रहे हैं अपने कैमरे के लिए माइक लेने के लिए पावर बैंक और पावर बैटरीज, जो कि हम अभी जाके फिर आपको दिखाते हैं हम क्या परचेज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं अभी? इसके लिए हम जा रहे हैं लाजपत नगर, वहाँ पे एक शॉप है जिससे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि और भी अदर एसेसरीज ली थी, तो अब जो फाइनली मैंने फाइनलाइज कर लिया कि हमें लेना क्या है तो वहाँ पे जाके फिर हम परचेज करेंगे। तो गाइस फाइनली आ गए हैं और यहाँ पे जो लाजपत नगर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है पार्किंग का, जो पीछे भैया खड़े हैं वो भी हमें मना कर रहे हैं, बट हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें पार्क करने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें आधे घंटे ही काम है, आधे एक घंटे का, तो उसमें कम्प्लीट हो जाएगा अपना काम। तो आप ये देखो ट्रैफिक कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है।
कौन सा ऑयल लिखवा है? MK 200। ये इसका है 400। ये 400 है ना MK? कहाँ गए भैया? निकाला जो है वो आपको परचेस करके ओपनिंग करना पड़ता है। फाइनली MKE 200 जो सब ये बता रहे हैं ये प्रेफर करेंगे नहीं, और वीडियो रोड का जो है वीडियो माइक कौन सा बेसिक वाला जो है उससे बेटर है, उससे बेटर है। वो आपने कॉस्ट बताई कितनी? 5800 बताई थी, 5800 का ले सकते हैं। इसमें विंड नॉइस तो नहीं आएगी ज़्यादा? नहीं आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि हमारा ट्रेवल है बाहर का ही, ठीक है ना, मेन पर्पस वही है, तो उसमें मेरे को वो नहीं चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऑन कैमरा ये ज़्यादा बेटर है, हालांकि वो भी अच्छा है, बट ये है उसका जो घास है वो पूरा सामने आ जाएगा तो फिर अच्छा। जो उसका विंड स्क्रीन है ओके, और इसमें वो है विंड स्क्रीन है इसके अंदर होगा एक्चुअली? ये जो दिया हुआ है ना इसी के अंदर इनबिल्ट है, इसके अंदर इनबिल्ट है जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी। तो इसका फाइनल प्राइस मेरे को बताओ कितना लगाओगे? कितना बताया था मैंने वो आप बताओ, अब नया प्राइस बताओ डिस्काउंटेड। उस दिन आपने शॉपिंग कर ली थी हमने, ये हमने बोला था रिसर्च करके तब लेंगे। देखते भैया से डिस्काउंट तो मांगा है, लिंक पर मैं इनका सारी डिटेल डाल दूंगा, फिर आप फाइनली अगर मैं हमको अच्छा डिस्काउंट मिला तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी शॉप से आके लें। 7500 ज़्यादा बता दिया उनसे, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा बता दिया है। कितना बताया था बताओ? आपने बताया था 7200 टू बी वेरी ऑनेस्ट, 7200 भैया आज 7500 का बोल रहे हैं। मैंने कहा उस दिन से अच्छा प्राइस देना, भैया ने बढ़ा के दे दिया। मैं चेक कर लूँ, थोड़ा ठीक करा दो, इसके बाद फिर थोड़ा बैटरी इसका भी आपको देखना है। तो फाइनली ये वाला डिसाइड किया है, देखते हैं कि कितना हमें बेस्ट प्राइस बताते हैं भैया, और उसके बाद बैटरीज का भी देखते हैं। बैटरीज लेंगे तो कॉम्पैक्ट लग रहा है बिल्कुल ही, थोड़ा लाइट वेट है यार, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, छोटा सा एक स्लीक। ये रबर वाली है कहीं भी किसी में कैसे आएगा? अच्छा ये पूरा इसमें कवर हो जाएगा, ये इसका पाउच है, ये मोबाइल का केबल भी दे दिया कल को, मोबाइल से आप यूज कर लो। अच्छा मोबाइल का केबल अलग है ओके, ये कैमरा के लिए। अब जो है मैंने माउंट कर दिया है माइक, और इसकी आई गेस क्वालिटी जो है अभी चेंज हो गई होगी, वो जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा तो उसमें खुद ही देखूंगा कि कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। ये विंड स्क्रीन है अभी, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं लगा रहे, इसका टेस्ट जो है बाहर आउटफील्ड में करेंगे, उसमें जाके देखेंगे कि क्या क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो लेट्स गो, बाकी भैया को पेमेंट कर दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या क्या लिंक है, जितना भी हमने परचेस किया है क्या परचेस लिया है, और जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो घर पे जाके बताएंगे जब इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फाइनली माइक लेने के बाद अब भूख लग रही थी तो हम आ गए नज़ीर पे, जो जस्ट जिस शॉप के नीचे ही है फर्स्ट फ्लोर में, तो अब यहाँ से खाएंगे। एंड आई डोंट नो कि अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही होगी, वो तो जब मैं लैपटॉप पे देखूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कि वॉइस है भी, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग वॉइस जो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो मेरी जो थिंकिंग है ये उसको कैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसका फेस जो मेरे सामने माइक है ये मेरी वॉइस को इसको ज़्यादा पिक करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, वो आगे जब मैं एडिट करूँगा तभी पता चलेगा फाइनली। तो फाइनल मैं आपको बता दूँगा इसका आउटपुट कैसा मुझे लगा है, और इसके जो फीचर्स है ज़्यादा तो क्या है, फीचर्स तो क्या ही मिलेगा, मतलब विंड स्क्रीन इनबिल्ट भी है और एक ऊपर से भी है। अगर आपको ज़्यादा आप ऐसी जगह पे लोकेशन में आउटफील्ड में शूट कर रहे हो जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हवा चली तो वहाँ पे वो विंड स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। एंड बाकी घर जाके देखते हैं कि क्या क्या इसमें और फीचर्स है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसके यूट्यूब दूसरी वीडियो से भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो लेट्स गो। फाइनली फ्रेंड्स हमने अब MKE 200 का माइक ले लिया है, जिसकी कॉस्ट हमें 7200 पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट।
और अभी मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं घर पे जाके क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि जैसा मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ अपने कैम की, उसमें जो चैनल का साउंड रहता है वो तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट अल्टीमेटली पता है जब चलेगा हमें, तब हम जाके इसको वीडियो को सिस्टम पे रन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला माइक जो है अभी हमने परचेज किया है MKE 200 सनाइजर का, और देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ये हमारा इसका केबल है फॉर यूजिंग इन कैमरा, एंड इसके साथ एक और केबल मिला है जो कि हम मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, और जो कि इतना कॉम्पैक्ट है। इसके साथ एक विंड शील्ड भी मिली है जो हम यहाँ पे इसको कवर करके लगा सकते हैं। ऑल द इसके अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट जो है हमारे विंड शील्ड है, जिससे कि ये नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ये देखिए इतना कॉम्पैक्ट है, और मेरे अकॉर्डिंग में ये लेना चाहिए आपको भी। जैसे कि मैंने देखा रोड का माइक देखा था, जो वीडियो माइक्रो है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट भी है, बट उसकी जो माउंट करने के लिए जो भी उसका जो साथ में एक आता है वो ठीक नहीं लगा मुझे। तो इसका क्या है, ये इनबिल्ट शॉक माउंट है, और जो उसका शॉक माउंट है वो आउटर है, तो उसको लगा के फिर उसके ऊपर माइक लगाना काफ़ी ऊपर वो कैमरा के हमारे आ जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। तो मेरे को तो ये माइक जो है बेस्ट लगा है। बाकी आप अपना कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा इसमें फील आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है ये।